बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ मैं और आप भाई अक्सर मुझे भी कमेंट करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं कुछ इसके मतलब यानी कि वीडियो देख रखा हूँ। जो मेरे पाकिस्तानी या इंडियन भाई छुट्टी के ऊपर गए हुए थे, अभी तक फ्लैट्स बंद हैं जैसा कि आपको पता है, वो सऊदी अरब में अभी तक नहीं आ सके हैं, तो उनके उनको भाई डराया जा रखा है कि कफील पीछे से खरूज लगा रहे हैं, कफील पीछे से उन बंदों का या हरूप दे रखे हैं या उनका भाई खरूज एग्जिट लगा रखे हैं, वो बंदे फारग हैं। अभी ऐसा होता है या नहीं होता है या किसी बंदे के साथ ऐसा हुआ है, सऊदी जवाजात ने इसके मुतल्लिक क्या कहा है, आपको मैं मुकम्मल तफसील से आगाह कर देता हूँ। यकीन आप भाई को फायदा होगा और बात खत्म करते हैं एक दो बातों में। भाई एक बंदे ने जवाजात को कमेंट किया था कि मेरे कफील ने मेरा खरूज लगा दिया, मैं हालांकि छोटी के ऊपर गया हुआ था, तो जवाजात ने उसको आगे से तफसील से ये बात समझाई है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जवाजात ने उस बंदे को बोला है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो कैसे? आप किसी भी यानी कि कोई भी कफील, कोई भी कंपनी किसी भी बंदे का हरूब मतलूब उस वक्त तक नहीं लगा सकते हैं, ना ही खरूज उस वक्त तक लगा सकते हैं जब तक वो बंदा भाई हरूब मतलूब तो उस टाइम तक नहीं दे सकते हैं जब तक वो बंदा कंपनी से भाग ना जाए, कफील के पास से भाग ना जाए। ठीक है, अगर आप कहीं गए हुए हैं किसी दोस्त को मिलने या आगे पीछे कहीं गए हुए हैं तो आपका कफील ने हरूब दे दिया है, जिसके मुतालिक आपके साथ वहां वीडियो शेयर कर चुका हूं या जल्द ही कर दूंगा आज या कल, कि अपना हरूब मतलूब कैसे चेक कर सकते हैं। आपके कफील ने आपका हरूब मतलूब दे दिया है तो गालबन 3 दिन का टाइम होता है, आप मकतबे अमल चलाइए खुद से जाकर अपील करके भाई वो हरूब मतलूब कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बहरहाल जो आप हरूब मतलूब के तो आपको समझ आ गया जी, यानी कि आप कंपनी से भाग गए हैं, कफील से भाग गए हैं, तो उस टाइम आपका हरूब मतलूब होगा, ना कि आप छुट्टी के ऊपर गए हुए, आपका रिकॉर्ड यहां पर सेफ है, आपका हरूब मतलूब तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है जी, अभी बात करते हैं खरूज के मुतल्लिक। मैं गया हुआ पीछे से, मैं वापस नहीं आ सका, उसने मेरा खरूज लगा दिया, अभी मैं न्यू वीजा के तौर पर आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं, तो भाई वीजा के मुतल्लिक तो छोड़ें, पहले खरूज के मुतल्लिक ही आप सोचें। भाई खरूज उस टाइम लगता है जब आप किसी मकतब में चले जाएं, जवाजात में चले जाएं, आपकी छुट्टी, आपका खरूज, आपको पता है जी कैसे लगता है, आपकी भाई छुट्टी, आपका खरूज उस टाइम लगता है जब आपके कफील के, आपकी कंपनी का जो मदीर है, उसके मोबाइल के ऊपर जो उसका अक्षर बना होता है, अक्षर के ऊपर उसको मैसेज आता है, वो उसको यस करता है, उसके बाद आपका खरूज या आपकी छुट्टी लगती है। ठीक है जी, आपका कफील, आपकी कंपनी आपका खरूज कैसे लगा सकती है जब आप सऊदी अरब से बाहर हैं, वो जैसे वो आपका खरूज लगाने की कोशिश करेगा तो उसी टाइम उसको भाई आगे से ये कह दिया जाएगा कि आपका वर्कर आपकी इजाजत नामे से सऊदी अरब से बाहर है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने के सबब वो अभी नहीं आ सकता है, अभी आप उसका खरूज नहीं लगा सकते हैं। खरूज उस टाइम लग सकता है जब बंदा यहां पर मुकीम हो, वो कफील आपका खरूज बोले मैं आपका खरूज लगा देता हूं, वो आपका खरूज लगा दे, उसके मैसेज उसको आपके अपने अफसर के ऊपर ही मैसेज आएगा, वो उसको यस करेगा, आपका खरूज लग जाएगा, आपकी छुट्टी लग जाएगी, छुट्टी भी ऐसे लगती है, खरूज भी ऐसे लगता है। लेकिन जब आप सऊदी अरेबिया में ही नहीं है और उस कफील की मर्जी से छुट्टी के ऊपर गए हुए हैं पहले से ही, तो वो आपका खरूज कैसे लगा सकता है? ये एक फेक न्यूज है। मेरे परदेसी भाई जो यहां से गए हुए हैं वो पहले ही बड़े परेशान हैं, उनको मजीद परेशान कोई बंदा कर रहा है ऐसी न्यूज फैलाकर, तो ये एक झूठ है जी, फेक न्यूज है, ऐसी बातों के ऊपर यकीन मत करें। मेरा यह खुद से मानना है आपके लिए, तो इंजॉय करें, खाएं पिए, थोड़े दिन घूमें फिरें, या कोई काम कर रहे हैं तो वो करें, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल होंगी जल्द और आप सऊदी अरब का सफर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अपने इकामे, अपनी छुट्टी इसके मुतालिक नजर दौड़ाएं कि मैंने अपने इकामे के मुतालिक, अपनी छुट्टी के मुतालिक क्लियर करें कि वो बड़ी हुई है और अपनी वैक्सीन के मुतालिक।